के मेडल विजेता सुशील कुमार से जुड़े सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पुलिस ने 11वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। भाष को अरेस्ट किया गया। इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले का मुख्य आरोपी इंटरनेशनल रेसलर सुशील कुमार है। गौरतलब है कि सागर हत्याकांड बीते करीब 1.5 महीने से सुर्खियों में। अभी तक इसकी जांच में यही बात सामने आई है कि दबदबा बढ़ाने के लिए सुशील कुमार ने इस घटना को अंजाम दिया। सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों के द्वारा 4 मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कैंपस के अंदर ही सागर के साथ मारपीट की गई थी और सागर ने उस दौरान दम तोड़ दिया था अस्पताल में। सुशील और अजय कुमार की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने 23 मई को दोनों को 6 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। सुशील पर पुलिस ने 1,00,000 रुपये का इनाम जबकि उसके साथी अजय पर 50,000 रुपये के इनाम रखे थे। सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। बाद में सुशील और उसके सहयोगी अजय उर्फ सुनील ने मुंडका से गिरफ्तारी दी। सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया था उसके हिसाब से सागर के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और उस पर किसी भी नुकीली भारी चीज यानी कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किए गए थे। सागर को 4 मई और 5 मई की दरमियानी रात 2:52 पर पहले पास के अस्पताल BJRM में ले जाया गया। उसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां सुबह 7:15 पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि जख्म इतने गहरे थे कि हड्डियों तक चोट पहुंची। मौत की वजह सर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार करने से हुई थी। डॉक्टरों की राय है कि शरीर पर पाए गए सभी चोट के निशान मौत से पहले के ही हैं। अब देखना अहम होगा कि ये जो नया आरोपी गिरफ्तार हुआ यानी कि 11वां आरोपी गिरफ्तार हुआ है ये कौन कौन से खुलासे करता है, क्योंकि इससे पहले जो अनिरुद्ध गिरफ्तार हुआ था 10वां आरोपी, अनिरुद्ध ने कई सारे खुलासे किए हैं। अब देखना अहम है कि सुभाष जो 11वां आरोपी है ये कोच बताया जा रहा है। अब इससे पुलिस क्या क्या निकलवाती है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।